हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह 6:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फॉग हुआ है। तो यहाँ पर जो है, मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, पहले थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल घर के नज़दीक तक था, लेकिन अभी थोड़ा दूर हो गया है और दिखाने की पूरी कोशिश की है मैंने। तो गाइस, अभी ना इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है ना सुबह सुबह, और इतनी ठंड है ना कि कुछ पूछो ही मत। और अब से मतलब ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ भाई, अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब तो बहुत अच्छे से रहना पड़ेगा ढक के, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, दांत मेरे ऐसे किट 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 कर रहे हैं आप लोगों से बात करते में भी। तो बस अभी जो है, मैंने आप लोगों को दिखाया कितना ज़्यादा धुंध छाई हुई है, कोहरा आ गया है एकदम खतरनाक वाला। अच्छा, गाना बज रहा है बाहर, मतलब सुबह से ही लोग बस निकलना शुरू हो जाते हैं। आज मैंने इतना ज़्यादा देखा ना, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। और गाइस, कल जो है, कल कोई भी मैंने ऐसा खास व्लॉग शूट नहीं किया था, जो भी था ऐसे ही था सारा। अभी तो मेरा दिन कुछ ऐसे ही निकल रहा है, अच्छे से मन भी नहीं कर रहा है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि हाथ पर साथ नहीं दे रहे हैं मेरे। और जेला आप लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि एक ही लाइट जल रही है, पापा के रूम में बैठकर आप लोगों से बात कर रही हूँ, पापा गए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो इसलिए ठीक है। ऐसा कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बस छोड़ो सारी चीज़ें, लेकिन काम है ये, तो हमारा काम है ही, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, तो बस कर रहे हैं धीरे धीरे अपने जो है रूटीन में आ रहे हैं, है ना। तो चलिए गाइस, चलते हैं किचन में। तो किचन में मैं आ गई हूँ और बना लेती हूँ यहाँ पे चाय। तो चाय बनने के लिए मैंने रख दी है, साथ ही मैं ब्रेकफास्ट भी रेडी करूँगी क्योंकि पापा को भी ड्यूटी जाना है। तो यहाँ पर जो है, मैं बनाऊँगी ऑमलेट, पराठा और चाय। तो ये हमारा आज का नाश्ता होगा। और इतने कड़ाके की ठंड में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, तो मज़ा ही आ जाता है। इसके साथ में कुछ भी स्नैक्स हो तो फिर दुगना ही मज़ा है भाई। और यहाँ पर जो है, अभी मैंने नाश्ता निकाल लिया, आप लोग भी आ जाए नाश्ता करने। तो बस अभी मैं तैयार होकर जा रही हूँ अपने जिठानी जी के घर। जी हाँ, आज हमारी दावत है उनके घर, क्योंकि आज संडे है, तो आज उन्होंने जो है ऐसा प्रोग्राम बनाया कि चलो भाई संडे है, इसलिए जो है उन्होंने हमारी दावत की हुई है। तो खाने में बनी है सिरी, तो भाई चलो सिरी खाने चलते हैं, है ना। तो बस रन को भी रेडी कर दिया, आज मैंने उसको भी पिंक पहनाया है, मैंने भी पिंक पहना है, तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2:45 हो गया है, मतलब निकलते निकलते ही टाइम हो जाता है। मैं सोच रही थी कि चलो 2 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन नहीं निकल पाए। चलो बस अभी रेडी हो गए, निकलते हैं यहाँ से। मैं कैसी लग रही हूँ आज देखो, मैंने भी पिंक पहना है और एन ने भी पिंक पहना है ना। आज मम्मा बच्चा सेम सेम हो गए, आज मम्मा बच्चा सेम सेम हो गए। चल कहाँ है मम्मी, ऊपर ही है क्या? लेटी है कहाँ लेटी? मम्मी नहीं, वो ही आया है, वो तो मम्मी। कह देना है मम्मी। कितनी बुरी सीट पर डाली बिल्ली ने, क्यों मोबाइल आप ले आए थे क्या, बड़ा वाला लाए थे उठा के? अच्छा अच्छा हाँ पकड़ी तुम मैं खुद भूल गई कि मेरे हाथ में मोबाइल है। मैं शूट कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं। आज तो सारे ही दिन से धूप नहीं निकली है, आज कोहरा हो रहा है, आज का मौसम कुछ इस तरह, हाँ ठंडा ठंडा मौसम अच्छा लग रहा है, मतलब आज फील हो रहा है कि यहाँ पे सर्दी है, स्टार्ट हो गई सर्दी। कहाँ? अच्छा, दोनों अब भी आ गए लेने के लिए, सब चलाऊंगी तो पहले बैठ तो जाओ
मैं सब जानती हूँ चलाना, मैं चला के दिखा दूंगी आपको। देखो ये गाँव में बैठे हैं साइकिल पे। नहीं बैठेगी, नहीं बैठेगी, बेटर है। सो गाइस अभी ऊपर आ गए, ऊपर तो इतनी ठंडी हवा चल रही है यार, आज बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है ऊपर। तो बच्चों को ऊपर लेकर के आ गई हूँ, तो बच्चे बस यहाँ पर खेल रहे हैं। हाँ लोला आई। बैठो इस पर, मैं बैठाऊँ। हाँ झूला, हुरन को झूला मिल गया है यहाँ पे ना। धीरे धीरे, स्लो स्लो, धीरे ऐसे नहीं, ठीक है इतना तो झूल लेगी वो, झूल दिया उसका भी नानी ने, उसके लिए झूला डाल दिया एक छोटू सा, तो वो झूला भी झूला दे देगा। हाँ हेलो तो कर लो। हेलो, इंस्टा पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती है हमारी आलिया, आप लोगों ने देखी या नहीं। और खेत तो बड़े अच्छे लग रहे हैं हरे हरे से, घर का दरवाज़ा खोलो और सामने खेत देखो। आलिया खाना, मैंने कहा मैं रोटियां सेक देती हूँ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम बैठो अभी सीख जाएगा। तो पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि चूल्हे पे खाना बनेगा, लेकिन चूल्हे पे नहीं बना है क्योंकि वो अकेली थी, इसलिए सब लोग होते ना तो चूल्हे पे बनता, तो सब लोग साथ में होते इकट्ठे, अच्छा लगता। गुलाबसा भी नहीं है और हमारी नाहरिया भाभी भी नहीं है, तो मतलब अच्छा ही लगता है, बच्चों से ही अच्छा लगता है घर में, सच में जब वो लोग होते हैं ना तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बना लो, रील्स बन रही है आलिया की, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है वो, चलो हम इधर साइड ही बात करते हैं आप लोगों से। ये दिख रहा है हमारा घर, ब्लैक टंकी, ये हमारा घर है नया, तो हम लोग वहाँ से अभी सीधे निकल आए, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो देखते हुए जाएंगे, थोड़ा सा काम वाम चल रहा है उसमें। सो यहाँ पर है खेत, इसमें क्या लग रहा है, बीच बीच में सरसों लग रही है और शायद गेहूँ है आई थिंक, है ना, क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग बताना अगर आप लोग को समझ में आए तो। मारो मारो, पिटाई लगाओ उसकी, इसकी पिटाई लगाओ, अपन पिटाई लगाओ। तो खाना हमने खा लिया है और यहाँ पर सभी लोग बैठ कर के बातें कर रहे हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, बड़े भी बैठे हुए हैं, सब लोग बातें बातें कर रहे हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगी अपने नए घर पे, वहाँ से ही फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो गाइस अभी आ गए हम घर पे, और आते ही देखो और तो सो भी गई यहाँ पे, क्योंकि सोने के लिए जिद कर रही थी, थोड़ा उसको सोना था इसीलिए। तो भाई आज की दावत तो हमारी बहुत अच्छी रही, बढ़िया से हमने सिरी खाई, वैसे सिरी मैं खाती नहीं हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि बकरे के कुछ पीसेस वगैरह थे वो ऐसे मतलब सालन में डाल दिया था, तो वो मैंने खाए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। वैसे मैं सिरी कभी नहीं खाती हूँ, मुझे वो चिकनी चिकनी रहती है ना, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्होंने स्पेशल फील कराता है ना, तो अच्छा लगता ही है ना। सो ये था, और बस बच्चों से मिले, बच्चों से बहुत सारी बातें करी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन और कोई भी नहीं था ना, जैसे गुलाबसा वगैरह भाभी वगैरह, तो अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं बहुत ज़्यादा खाली खालीपन लग रहा था, जब वो लोग होते हैं ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों से ही घर होता है। खैर चलो कोई बात नहीं, अब रहना तो है ही, वहाँ से फिर जो है खाना वाना खा के फिर मैं निकल आई थी अपने नए घर पर देखने के लिए, वहाँ पे टाइल्स वाइल्स का काम चल रहा है, जो गैरेज में टाइल्स वगैरह लग रहे थे दीवार पे वो लगे हैं, उसको देखा, एक आध घंटे हम लोग वहाँ रुके, फिर उसके बाद फिर से हम लोग हुरैन को लेने के लिए गए, तब अभी जाके हम लोग वहाँ से आए हैं। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7, और अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे भी बहुत तेज़ ठंड लग रही है,
ये गोटियों से हमारी लवली बाजी देंगे, हमें तो पता नहीं था यार। सच में इतने ज्यादा खुश है ना हमारे घर वाले और उनके घर वाले सभी लोग। वो गुड न्यूज क्या है गाइस, मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि चलो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, लेकिन एक वक्त का इंतजार कर रही थी, जब वो वक्त आएगा तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो वो वक्त आ गया है, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लवली बाजी ने अपना खुद का एक घर ले लिया है और जिसमें उनके सास ससुर और वो रहेंगे। तो माशाल्लाह से मतलब आज जो है वो वहाँ पर शिफ्ट भी हो गई हैं। तो पहले तो उन्होंने जो है कुरान खानी वगैरह करवाई थी घर में, और वो तब जाके शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे। वो बड़ा प्रोग्राम भी कुछ करेंगी और हम लोग सोच रहे थे कि जाने की, और उन्होंने हमें बुलाया भी था, लेकिन ना आज ही हम लोग सोच रहे थे जाने का लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो गई ना, तो बच्चों का साथ एकदम से ठंड बढ़ गई है। वैसे 2-3 दिन से अच्छी खासी धूप निकल रही थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोहरा हो गया, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा है नुकसानदायक। तो सोच रहे हैं लेकिन जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगी सारी चीज़ें। और उनके सास ससुर का ये था कि यहाँ से कहीं और जाना है, मतलब ऐसा होता है ना कि एक ही जगह पर रहते रहते आपका मन भर जाता है कभी कभी, तो उनका ये था कि कहीं और शिफ्ट होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज जो है बिक्की भाई ने, मतलब हमारे दूल्हा भाई ने अपना अपना खुद का एक नया घर ले लिया है और वो वहाँ पर ही शिफ्ट हो गए हैं। वो वाला घर भी है अभी, तो वो ऐसे ही है, मतलब अभी कुछ कुछ सामान वहाँ पर भी पड़ा हुआ है, तो उसमें भी वो लोग रहेंगे और नए वाले घर में भी रहेंगे। तो ऐसा है, आते जाते बने रहेंगे, लेकिन उनके जो मम्मी पापा हैं मतलब सास ससुर हैं वो नए वाले घर में ही रहेंगे। तो ऐसा है। और लवली बाजी एग्ज़ाम की वजह से नहीं जा पा रही हूँ उधर, क्योंकि फैज़ान का अभी स्कूल है, तो इसलिए जो है उसका स्कूल जो जहाँ पर वो लोग पहले रहते थे वहाँ से पास पड़ता है, अभी वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा, तो इसलिए लवली बाजी वहाँ पर जो है कुछ टाइम के लिए नहीं रहेंगी, आती जाती रहेंगी अपने सास ससुर के पास। जब एग्ज़ाम हो जाएंगे फैज़ान के, तो फिर वहाँ से स्कूल हटाकर दूसरे स्कूल में उसका एडमिशन दिलवाएंगे, तो ऐसा उन्होंने सोचा है। सो ये सारी चीज़ें, और बस अल्हम्दुलिल्लाह से आज उनका खुद का घर है। बस इसी चीज़ की खुशी है भाई, अल्लाह ताला सबको खुद का घर नसीब करे। और बस मैं तो यही सोचती हूँ यार, छोटी सी ज़िंदगी, थोड़ा सा बोलो लेकिन अच्छा बोलो, सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करो, अच्छी अच्छी बातें करो, यही है, यही साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। बुराइयां किसकी क्या लेकर के जाओगे, तो इसलिए सबसे अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी दुआएं, आप लोग भी अच्छी अच्छी दुआएं देना लवली बाजी को, कि अल्लाह ताला उनको घर बरतना नसीब करे और अल्लाह ताला उनकी सारी जायज़ दुआओं को कबूल करें। वो अच्छी हैं इसलिए उनके साथ में सब लोग अच्छे हैं, बस यही है। जब हम अच्छे होते हैं ना, तो हमारे साथ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाता है। सो आज इस चीज़ का नतीजा उनको मिल रहा है कि उन्होंने अच्छा किया अपने सास ससुर के साथ, उन्होंने अच्छा किया अपने सभी मतलब मिलने जुलने वालों के साथ, तो उन सभी की दुआएं उनके साथ हैं, आज उनका खुद का एक घर हो गया है। सो बस यही सारी चीज़ें होती हैं यार, बड़ों को लेकर चलो, बड़ों की सारी बातें मानो, और क्या ही रखा है दुनिया में। बस बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग जाएंगे, सब लोग जाएंगे साथ में, और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी उनका घर, माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी जगह पर है। तो आज मैं इतनी ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि किसी की खुशियों में शामिल होना भी बहुत अच्छी बात होती है, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं वो लोग। तो आप लोग भी अच्छी अच्छी दुआएं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है? तो चलिए, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।